हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंजीनियर मोटर राइड्स। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे मोटरसाइकिल के क्लच प्लेट खराब होने के कारण और उसके लक्षण। दोस्तों, क्लच प्लेट किसी भी वाहन के लिए बहुत महत्वपूर्ण पार्ट होता है और वाहन को चलाने में क्लच प्लेट बहुत काम आती है। दोस्तों, क्लच प्लेट का इस्तेमाल कार, बाइक, बस, ट्रक, जनरेटर आदि वाहनों में किया जाता है। दोस्तों, क्लच प्लेट के कारण ही आपका वाहन चल पाता है। दोस्तों, बाइक में क्लच प्लेट ऑयल में चलती है, परंतु कार, बस, ट्रक और बाकी वाहनों में क्लच प्लेट बिना ऑयल के काम करती है। लेकिन क्लच प्लेट का काम एक ही होता है, वो चाहे बाइक हो या कार। दोस्तों, आपको क्लच प्लेट अलग अलग प्रकार की देखने को मिल जाएगी। जब आप बिल्कुल नया वाहन लेकर आते हैं, उस समय आपके वाहन की क्लच प्लेट बिल्कुल सही काम करती है और पिकअप भी अच्छी होती है। लेकिन कुछ समय बाद आपके वाहन की पिकअप कम हो जाती है और साथ ही इंजन से आवाज़ भी आने लगती है। दोस्तों, इसका मुख्य कारण होता है क्लच प्लेट का खराब हो जाना या उसका हार्ड हो जाना, जिसके कारण पिकअप कम होती है। दोस्तों, लेकिन क्लच प्लेट खराब क्यों होती है और जब क्लच प्लेट खराब हो जाती है तो उसमें क्या लक्षण देखने को मिलते हैं आपकी बाइक में। दोस्तों, आज हम आपको क्लच प्लेट के बारे में बताएंगे। दोस्तों, वैसे क्लच प्लेट इतनी जल्दी खराब नहीं होती, यह आपकी लापरवाही के कारण भी होता है। क्लच प्लेट खराब होने के कई कारण आपको देखने को मिल जाएंगे, जिसमें दोस्तों नंबर वन है क्लच को दबाकर वाहन चलाना। दोस्तों, सबसे ज्यादा क्लच प्लेट खराब होने का कारण क्लच दबाकर गाड़ी चलाना होता है। आप बहुत आसानी से वाहन के चलने पर क्लच को दबाकर रखते हैं, जिससे कि चलते वाहन में भी क्लच दबा रहता है। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कि आपकी यह आदत आपके वाहन की क्लच प्लेट को इतनी जल्दी खराब कर देगा कि आपको पता नहीं चल पाएगा और आपके वाहन की पिकअप डाउन कर देगा। दोस्तों, जब आप क्लच को दबाकर वाहन चलाते हैं, उस समय आपके वाहन की पिकअप तो डाउन होती है, साथ में आपके वाहन का क्लच प्लेट पूरी तरीके से काम नहीं करती है और क्लच प्लेट लगातार घिसती रहती है, जिसके कारण आपको कई बार जलने की बदबू भी आती है। दोस्तों, यही कारण होता है आपके क्लच प्लेट खराब होने का। इसलिए कभी भी क्लच दबाकर गाड़ी ना चलाएं। नंबर टू, क्लच की तार खराब होने के कारण। दूसरा कारण होता है क्लच प्लेट खराब होने का, क्लच की तार खराब हो जाना। जब कई बार वाहन की क्लच प्लेट ठीक होती है और तार में पानी लगने के कारण जंग लग जाता है, जिसके कारण तार जाम हो जाती है या हार्ड हो जाती है। और जब तार जाम हो जाता है, तब आपके वाहन का क्लच हल्का सा दबा रहता है और आपको पता नहीं चलता। दोस्तों, क्लच दबे रहने के कारण क्लच प्लेट खराब हो जाती है। इसीलिए अगर आपके वाहन का क्लच की तार हार्ड या जाम हो जाती है तो तार को बदल लें, क्लच प्लेट जल्दी खराब नहीं होगी। नंबर थ्री, इंजन ऑयल का खराब होना। दोस्तों, इंजन ऑयल किसी भी वाहन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। लेकिन जब यही इंजन ऑयल खराब हो जाता है या कम हो जाता है, तो माइलेज के साथ साथ आपकी बाइक की क्लच प्लेट को खराब कर देता है। क्योंकि जब इंजन ऑयल खराब हो जाता है तो क्लच प्लेट के साथ इंजन का कोई भी पार्ट अच्छे से काम नहीं करता और इंजन में से अलग अलग प्रकार की आवाज़ भी आती रहती है। इसलिए दोस्तों, अपने वाहन के समय पर सर्विस करवाएं और अच्छे से अच्छा इंजन ऑयल अपने वाहन में डलवाएं, ताकि क्लच प्लेट के साथ आपके सभी पार्ट अच्छे से काम करें। दोस्तों, नेक्स्ट है क्लच योक और लीवर का कट जाना। दोस्तों, यह एक ऐसा कारण है जो बहुत ही कम देखने को मिलता है, लेकिन इस कारण से भी आपकी क्लच प्लेट खराब हो जाती है। कई बार क्लच योक और लीवर इतना कट जाता है कि क्लच लीवर में बहुत ज़्यादा प्ले आ जाती है, जिसके कारण जब क्लच को एडजस्ट करते हैं तो क्लच हल्का सा दबा रहता है, इसके कारण पिकअप डाउन हो जाता है। और जब आप बाइक को चलाते हैं तब क्लच दबा रहता है और क्लच प्लेट खराब होती रहती है। दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है वाहन की कैपेसिटी से अधिक लोड में वाहन को चलाना। दोस्तों, कोई भी कंपनी हो, वह इस बात पर ध्यान रखती है कि उनके बनाए गए वाहन पे उतना ही लोड डाला जाए जितना कि वह उठा सकती है। लेकिन कुछ लोग अपने वाहन पर बहुत अधिक लोड डाल देते हैं, जिसके कारण वाहन को अपनी क्षमता से अधिक जोर लगाना पड़ता है और इसके कारण क्लच प्लेट पर पूरा जोर पड़ता है और इस कारण से क्लच प्लेट खराब होती रहती है। दोस्तों, वहीं कुछ लोग बहुत अधिक लोड में वाहन को तीसरे गियर में डालकर ऊंचाई पर आधा क्लच दबाकर चढ़ते हैं, जिसके कारण क्लच प्लेट खराब होती है। दोस्तों, आप जानते हैं क्लच प्लेट खराब होने के लक्षण।
दोस्तों, जब आपके वाहन की क्लच प्लेट खराब होती है तो आपके वाहन में बहुत से लक्षण आपको देखने को मिल जाएंगे, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि क्लच प्लेट खराब हो गई है। दोस्तों, आज जानते हैं उन लक्षण के बारे में। नंबर वन, वाहन ओवरएस होगा। दोस्तों, जब आपके वाहन की क्लच प्लेट खराब हो जाती है तो आपको देखने को मिलेगा कि जब आप क्लच को छोड़ते हैं और चलाते हैं तो वाहन ओवरएस हो जाएगा, यानी कि आप जितना रेस देंगे उससे अधिक रेस वह उठाएगा और आपके वाहन की पिकअप और स्पीड भी कम होगी, लेकिन आपके वाहन की रेस पूरी होगी। इसीलिए अगर आपको क्लच छोड़ते समय ओवरएस की समस्या है तो इसका मतलब यह है कि आपके वाहन की क्लच प्लेट खराब हो गई है। नंबर टू, गियर शिफ्ट करने में समस्या होना। दोस्तों, जब आपकी क्लच प्लेट खराब हो जाती है तो गियर को बदलने में बहुत अधिक समस्या उत्पन्न होती है। फिर चाहे आप पूरा क्लच दबाकर क्यों ना रखो, जब भी आप गियर डालोगे तो गियर अटकेगा या फंसेगा, और क्लच प्लेट खराब होने के बाद सबसे अधिक पहले और दूसरे गियर में समस्या उत्पन्न होती है। नंबर थ्री, क्लच टाइट या हार्ड हो जाना। दोस्तों, जब आपके वाहन की क्लच प्लेट खराब हो जाती है तो क्लच हार्ड और टाइट हो जाता है। जब आप क्लच दबाकर छोड़ते हैं तो क्लच पूरा छोड़ने पर भी वाहन आगे नहीं बढ़ता, आपको रेस अधिक देनी पड़ती है, तब जाके वाहन आगे बढ़ता है, क्योंकि क्लच प्लेट खराब हो जाती है और क्लच प्लेट की पावर कम हो जाती है। इसके अलावा क्लच प्लेट भी हार्ड हो जाती है। नंबर फोर, गाड़ी की माइलेज कम हो जाएगी। दोस्तों, जब भी क्लच प्लेट खराब होती है तो सबसे अधिक माइलेज कम होने की समस्या देखी जाती है, क्योंकि क्लच प्लेट खराब होने के कारण आपके वाहन की पिकअप कम हो जाती है और आपकी मोटरसाइकिल अधिक स्पीड में नहीं चल पाती और इंजन को पूरी पावर लगानी पड़ती है, जिसके कारण माइलेज कम हो जाती है। नंबर फाइव, किक स्लिप होगी बार बार। दोस्तों, बाइक की क्लच प्लेट खराब होने पर सबसे पहला लक्षण जो हमें देखने को मिलता है वह है किक का स्लिप हो जाना। जब क्लच प्लेट खराब होती है तो किक मारते ही स्लिप हो जाती है। दोस्तों, क्लच प्लेट खराब होने पर भी जब आप किक मारते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे आपका पैर किसी कीचड़ में धंस गया हो, जिससे आपको पता चलता है कि क्लच प्लेट खराब हो गई है। नंबर सिक्स, इंजन से आवाज आना। दोस्तों, जब क्लच प्लेट खराब हो जाती है तो इंजन से अलग अलग प्रकार की आवाज आने लगती है। आपकी मोटरसाइकिल बहुत अधिक जोर लेने लगती है और आपको महसूस होता भी है कि आपकी मोटरसाइकिल की क्लच प्लेट खराब हो गई है। दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है कि आपकी बाइक की रेस बढ़ती रहती है लेकिन आपका वाहन चलता नहीं है, और इससे भी आपको पता चलता है कि क्लच में समस्या है। सो दोस्तों, इस तरह से आपने इस वीडियो में जाना मोटरसाइकिल के क्लच प्लेट खराब होने के कारण और उसके लक्षण। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं और पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों। राइड सेफ़।